रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी अदबी दीनी मिल्ली समाजी सकाफती तहजीबी फलाही तिब्बी फन्नी माशी तजारती माशरती इंतजामी इनकलाबी तहरीकी तहकीकी तकनीकी तफ्तीशी तामीरी तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आप तमाम ही नाज़रीन जानते हैं कि हम हर उस अच्छी चीज़ को आप लोगों के दरमियान में पेश करने में सआदत और फ़ख्र महसूस करते हैं और हर उन तमाम अच्छाइयों को हम अपने इस प्लेटफॉर्म से पेश करने की कोशिश में सरगर्दा रहते हैं जो समाज व माशरे के लिए मुफीद और मुआविन साबित होती है। आइए, आज हम आप लोगों के सामने उस शख्सियत को पेश करने जा रहे हैं जो शख्सियत न सिर्फ मालेगांव शहर बल्कि मालेगांव शहर से निकलकर पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी अपनी एक नुमाया शनाख्त बनाकर वापस मालेगांव शहर में आई हुई है और उस शख्सियत का नाम नामी इसमें ग्रामी है आर्किटेक्ट आरिफ शाह। आपने अपने कारहाए नुमाया से अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बनाई है। आपने जहां पर मक्का, दुबई, शंघाई और यूएस के दिगर प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किए हैं वहीं पर अभी मालेगांव शहर में अरिस्टॉल टाउनशिप के नाम से आप अपना एक प्रोजेक्ट जो है वो मंजर-ए-आम पर ला रहे हैं जो कि इंतहाई कारामद और इंतहाई आला दर्जे का इंतहाई मुनफरिद तर्ज पर आप उसे तरतीब दे रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि ऐसी क्या ख़ास बात है अरिस्टॉल टाउनशिप में जो दिगर टाउनशिप और हाउसिंग कॉलोनियों में आपको नहीं मिलती। मोहतरम आरिफ शाह साहब, मैं सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल करता हूँ रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर। हमारा अपना चैनल एजुकेशनल चैनल है जहाँ पर एजुकेशन से जुड़ी तमाम बातें हम हमारे सामईन को हमारे नाजरीन को बतलाते हैं। वहीं शहर में अच्छा काम करने वालों की सताइश और सराहना का काम भी हम अंजाम देते हैं। हमें मालूम हुआ कि आप एक बहुत ही मुनफरिद बहुत ही आला प्रोजेक्ट लेकर शहर अजीज़ मालेगांव में अपने काम में मुनहमिक हैं तो हमने चाहा कि आपकी तमाम उन खसूसियात को आपकी उन तमाम प्रोजेक्ट्स की बातों को हम हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ। तो सबसे पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप अरिस्टॉल टाउनशिप के ताल्लुक से जो आपके मकासिद हैं वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। ज़रूर, इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैरन कफीरा। अरिस्टॉल टाउनशिप जो प्रोजेक्ट है मालेगांव में इस वक्त अरिस्टॉल टाउन के नाम से, इसकी इब्तिदा 2018 में ही हुई थी और उम्मीद ये थी कि मुझे 6 महीने के अरसे में तमाम मंजूरियां मिल जाएगी, लेकिन चूंकि प्रोजेक्ट की नौइयत और उसकी इनफरादियत कुछ ऐसी रही कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मालेगांव को वो समझने में थोड़ा वक्त लगा और दिक्कत आई, तो फिर ये महसूस हुआ कि बहुत वक्त ज़ाय हो रहा है। तो और फिर जो हमने अनाउंसमेंट किए थे कि हम 1 साल के अंदर शुरू करेंगे, फिर वो अनाउंसमेंट्स की भी बात को फिर थोड़ा सा धक्का लग रहा था। अच्छा, तो हमने फिर ये महसूस किया कि यहाँ से हट के इसको फिर बॉम्बे महाडा से मंजूर करवा लिया जाए। महाराष्ट्र हुकूमत ने चंद नए कवानीन में इस बात की एक बात रखी थी कि आप लोकल सतह पर अगर कोई प्रोजेक्ट सेंक्शन करवा रहे हैं और प्रोजेक्ट की नौइयत कुछ बड़ी हो, मैग्नीट्यूड उसका बड़ा हो, साइज़ बड़ा हो, तो वो बम्बई से भी पास करवाया जा सकता है। सेक्रेटरीट की मीटिंग में मुझसे कहा गया था, अजय मेहता ने कहा था ये बात कि आरिफ, व्हाई यू आर टेकिंग सो लॉन्ग टाइम इनटू गेटिंग दिस अप्रूवल्स एंड ऑल। मैंने कहा था सेक्रेटरी को कि मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है शहर में कॉरपोरेशन के अफसरान के समझने में, वो थोड़ा वक्त ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को शहरों में जल्दी होना चाहिए, वक्त हमारे पास भी नहीं है, लिहाजा आप अपने प्रोजेक्ट्स को बम्बई महाडा से मंजूर करवाइए। उसके बाद फिर ये पूरा प्रोजेक्ट बम्बई महाडा के सुपुर्द किया गया था और उन लोगों ने लॉकडाउन से कबल कुछ मंजूरियाँ दी थी और लॉकडाउन के बाद कुछ मंजूरियाँ आई अल्हम्दुलिल्लाह।
गुज़िश्ता वक्तों में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर किया था, हमें अंदाज़ा था कि अगले 3 महीनों में बकिया मंजूरियाँ आ जाएगी इंशाल्लाह, तो उसका काम शुरू हो जाएगा, लेकिन लॉकडाउन लगने से उसमें काफ़ी देरी हुई और 1 साल का वक्त ज़ाया हो गया। लॉकडाउन के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी मंजूरियाँ हासिल हुई और उसके बाद फिर हमने प्रोजेक्ट को शुरू करने का इरादा किया और बिज़्निल्लाह अभी बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट का काम जारी है। और मंजूरियों में देखिए आप इसको कि हुकूमत की जानिब से ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें बेघरों को घर दिया जा रहा हो या ऐसे तबके को घर दिए जा रहे हों जो उनकी कुव्वत खरीद से बाहर हों और उनके लिए हुकूमत ने फ़ंड भी दिया है, वो लोगों को तकसीम कर दिया जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट के इस अदारे के तहत इंफॉर्मेशन आई है, उसमें ये है कि मेरी कंपनी जो फरिया बिल्डर्स जो ये प्रोजेक्ट बना रही है, पूरे हिंदुस्तान में ये तन्हा प्रोजेक्ट है जो मरकज़ी हुकूमत का फंड सीधा किसी एक कंपनी के नाम पे आ रहा है। वरना ये कोई प्लानिंग अथॉरिटी के नाम पे आता है, ULB के हिसाब से कॉरपोरेशंस के तरफ आता है, या हाउसिंग बोर्ड्स की तरफ आता है, या माहडा की तरफ आता है, या सिडको की तरफ आता है। ये पहला मौका है उन्होंने इसको किसी प्राइवेट बिल्डर को बराह रास्त वो फंड दिया है, बहुत बड़ी बात है। जी जी जी, तो ये हिंदुस्तान का पहला प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर उसके साथ ये भी ज़रूरी समझा गया कि जितने मुस्तहकीन हो हमारे यहाँ, जो इस्तेकाक रखते हों इस चीज़ का कि उनको बुलाकर ये कहा जाए कि आप ये ले लीजिए फ़ंड जो हुकूमत की तरफ से आया है, सस्ते मकानात की तरफ आइए, बहुत अच्छी क्वालिटी में और अच्छे मंसूबों के साथ ये टाउनशिप बनाई जा रही है। लिहाजा हुकूमत ने फिर उसके फ़ंड भी मंजूर किए, महाराष्ट्र हुकूमत ने भी उसके फ़ंड मंजूर किए, मुंबई महाडा ने उसकी मंजूरियाँ की, सेंक्शनिंग दी, IOCC हमारे पास है, उसके कंस्ट्रक्शन अप्रूवल्स हमारे पास है, उसके लेआउट अप्रूवल्स हमारे पास है, फिर उसके बाद जोनिंग और कलेक्टर ऑफिस से जो मंजूरियाँ हासिल होना होती है वो सारी मंजूरियाँ हमारे पास है, DPR के सेंक्शन हमारे पास है। इस वक्त इमारतें 12 मंजिला हैं, तो 12 मंजिला 15 मंजिला इमारतों का हमने नए UDCPR के तहत हम मज़ीद 21 मंजिला तक भी जा रहे हैं। क्या बात। तो उसके लिए जो ज़रूरी होता है फायर NOC, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास उसका फायर NOC हासिल है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसका तसव्वुर अभी हमारे शहर में ज़रा मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ पहली बार हो रहा है और हमारे शहर ने वो देखा नहीं है कि ये होता क्या है। तो हमारे लिए ज़रूरी ये भी था कि बगैर मंजूरी के या आधी अधूरी मंजूरियों के साथ या कुछ अधूरा सा इसको शुरू ना करें, क्योंकि किसी के सर पे लटकती तलवार वो ठीक नहीं होती और हम उसके ज़िम्मेदार हो जाते हैं। तो हमने इत्मीनान से सारी मंजूरियाँ हासिल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसको शुरू किया। बहुत मुबारकबाद, आपने जो तफसीलात यहाँ पर हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की हैं, यकीनन ये सारी मंजूरियाँ किसी एक प्राइवेट बिल्डर को हासिल करना जुए शीर लाने के बराबर है, लेकिन आपने वो काम तने तनहा किया है। फरिया बिल्डर्स इस मानों में वाकई में काबिल मुबारकबाद हैं, आरिफ शाह और इनके साथ जुड़े हुए सारी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सर, मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि आपके टाउनशिप में ऐसी क्या इनफरादियत है, ऐसी कौन सी मुनफरिद बात है जो दिगर सोसाइटीज और दिगर जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिगर नहीं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुनफरिद तो होती है और उसको होना ही है। उसकी पहली इनफरादियत तो इसी में है कि वो एक टाउनशिप है और हमारे यहाँ ये अवलीन है, पहली है। मालेगाँव में इस वक्त कोई भी टाउनशिप ना तो बनी है, ना ही उसका कोई तस्वुर मैं पा रहा हूँ। कोशिश ये है कि अल्लाह करे कि ये और 10 लोगों के ज़रिए शुरू हो जाए, मज़ीद और भी। तो पहली इंफरादियत तो यही है, इस इंफरादियत तो यही है इसमें कि ये एक टाउनशिप। और टाउनशिप जब हम कहते हैं किसी एक चीज़ को, तो हमारे नाज़रीन इस चीज़ को समझें कि टाउनशिप जो होती है ये अपने आप में एक छोटा सा मुकम्मल शहर होता है। आमतौर पर जो आपने देखा होगा वो ये होता है कि कहीं पर एक फ्लैट की इमारत बन गई, कहीं और कोई शोरूम बन गया, कहीं और कोई हॉस्पिटल तामीर हो गया, इनका आपस में कोई रब्त नहीं होता। इस प्रोजेक्ट के अंदर ये तमाम चीज़ें एक मकाम पर होती हैं, गेटेड कम्युनिटी के अंदर एक ही कैंपस में तमाम चीज़ें होती हैं, वहाँ के रहने वालों को ये तमाम सहूलियात मुहैया होती हैं, मयसर होती हैं। तो टाउनशिप का जो आइडिया और कंसेप्ट है वो
लाजमी तौर पर इस तरीके से है कि वहाँ रहने वालों के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी का तमाम सामान का मुहैया होना, मैसर होना, दस्तियाब होना, सहूलतों के साथ साथ वो एक अच्छी मियारी ज़िंदगी की तरफ जाएं, वहाँ जो नज़्म और इंतज़ामिया का जो मामला हो वो सख्त हो और हम सीखें उसमें कि राह किस तरह जाता है, और हम वहाँ आकर ये तय करें अपने आप से कि अभी जैसे हम अपने शहर की हालत देख लें, तो मैंने गुज़िश्ता वीडियो में ये बात कही थी कि हम हर रोज़ एक नई पस्ती में जा रहे हैं, तो अल्लाह करे ये कहीं रुक जाए और उसके बाद फिर हम एक नई सोच और नई फिक्र के साथ अपनी ज़िंदगियों को गुजारने के तर्ज व तरीक़ पर नज़रसानी करके एक ऐसे मकाम पर आ जाएं जहाँ से हम अपनी आने वाली नस्लों को एक नई ज़िंदगी और नए रहन सहन का और नई तमद्दुन कौम होने का एक लाइफस्टाइल वो दे दें, न्यू लाइफस्टाइल ऑब्वियसली दैट इज़ देयर। तो इस चीज़ के लिए फिर रखा गया था नज़रिए बात में, हमारी सोच में ये बात थी कि फिर मुकम्मल टाउनशिप बनाई जाए, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है, उसकी तमाम मंजूरी के साथ हमने इसको शुरू भी किया। मेरा सवाल ये बनता है कि मालेगांव शहर जहाँ पर एक आम तबका जो है काफ़ी तादाद में मौजूद है, तो क्या ये उस टाउनशिप में फ्लैट खरीदने का अहल हो सकता है? मैं चंद अंदाज़ों पर ही बात कर सकता हूँ चूँकि कि कोई नहीं जानता कि किसके पास क्या है और किसके पास नहीं है। आम शहरों में जो तबकात होते हैं, इक्तिसादी तबकात, माशी तबकात जो होते हैं, तो वो एक एलीट क्लास होता है, एक बिलो पावर्टी लेवल के लोग होते हैं, और दरमियान में तीन तबके होते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास। तो ये तीन तबके दरमियान में होते हैं, एक नीचे पावर्टी बिलो पावर्टी होता है और एक एलीट तबका होता है। तो अक्सर या ज़्यादातर शहरों में हिंदुस्तान के या दुनिया में कहीं भी बस यही सेग्रीगेशन, यही सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के। हमारे यहाँ ये कुछ 12-15 हैं अपने शहर में। कोई एलीट है, थोड़े दिन में वो एलीट नहीं होता, वो एलीट से थोड़ा नीचे आ जाता है बल्कि कहीं और चला जाता है। कोई बहुत दरमियानी कहीं तबके में वो कुछ एलीट हो जाता है। मिडिल क्लास जो एक परमानेंट मिडिल क्लास है वो वहीं पर कायम होता है, जो सैलरीड पीपल हैं ये लोग अपना एक मखसूस मकाम रखते हैं, उनमें फ्लक्चुएशंस नहीं है। नीचे जो पावर्टी लेवल पे है वो 20 साल में बड़ी सतह पर कभी आ जाता है, मजीद चला जाता है। तो एक वेरिंग फैक्टर्स जो हमारे पास है वो अपने शहर में ज़्यादा हैं। तो मेरे लिए इस जाविये से अगर आप सोचें या मुझसे कहें कि आप मैं सोचूँ इस जाविये से, तो उसमें ये बात है कि हमने लोअर मिडिल क्लास और परमानेंट क्लास का ज़्यादा ख्याल रखा है बनिस्बत इसके कि हम कोई एलीट क्लास को वहाँ पर कॉल करें। जिस हिसाब से हुकूमत ने भी इस बात को सराहा है कि ठीक है इस प्रोजेक्ट के अंदर आप ये है तो हमसे फ़ंड ले लीजिए और वो लोग जो इसके मुस्तहिक हैं आप दे दीजिए, तो मुझे ये लगता है कि लोअर मिडिल क्लास ये लोग यहाँ पर आ सकते हैं, और अपर मिडिल क्लास सैलरीड पीपल कुछ व्यापारी तबका, ताजिर पेशा लोग ये वहाँ यहाँ आ सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि हमने हमारे शहर की आबादी के एक बड़े हिस्से को एड्रेस किया है। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब आपका सवाल ये था कि वो किस तरह से इसमें अपने आप को मैच कर जाएंगे, तो दो चीज़ें हैं इसके अंदर। हमने फ्लैट्स को दो सेक्ट में डिवाइड किया है, एक हमारा 1 BHK फ्लैट है जो 12.5 लाख रुपये का है, और एक 1.5 BHK जो 16 लाख रुपये का है। 12.5 लाख रुपये का जो फ्लैट है उसके अंदर हमने ये रखा है कि भाई हुकूमत से 2.5 लाख रुपये उसके आए हैं। अच्छा, तो आप आइए हमारे पास, हम आपको हुकूमत से आए हुए 2.5 लाख रुपये दे देते हैं, इसी में कम कर लेते हैं, तो फिर वो 10 लाख रह जाते हैं। 1 लाख रुपये में उनका रजिस्ट्रेशन होता है, बचते हैं नीचे 9 लाख रुपये। 9 लाख रुपये का ये है कि अगर आप इसको 3 सालों में दे सकते हैं तो दे दीजिए, और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हफ्ते के कुछ 2-3 हज़ार रुपये की कमाई है और इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, तो फिर क्या करें, क्या घरों से महरूम रह जाएं? तो फिर मैंने ज़ाती तौर पे उसके अंदर कुछ काफ़ी काम करके इस बात को इस तरह से मुमकिन किया कि
ऐसे लोग जो बकिया रकम 9 लाख की 3 साल में दे देते हैं तो ठीक है दे दें, लेकिन जो लोग नहीं दे सकते हैं उनके लिए ये है कि फिर 3 साल में आप 3 लाख रुपया दीजिए, अच्छा जो भी आपका बेहतर हो जाता है देने की, बकिया 6 लाख को बैंक की तरफ से हम ले रहे हैं, अच्छा और हमने ये कहा कि फिर बैंक आपका पैसा दे देगी लेकिन आप अपना मकान हासिल कर लें। तो इस तरीके से फिर हमने वो मुमकिन किया कि ठीक है आप इस तरह से उसको ले लीजिए। 16 लाख का जो फ्लैट है उसके अंदर हमने उसके लिए टारगेट किया था टीचर कम्युनिटी, सैलरीड पीपल, कुछ ताजिर पेशा लोग छोटे हैं जो IT भर देते हैं, और उन लोगों को हमने टारगेट किया कि 16 लाख का फ्लैट है, 540 स्क्वायर फीट है, 2 लाख रुपये में रजिस्टर कर लीजिए और 14 लाख को 3 साल में दीजिए। उनके साथ भी अगर ये मसला होता है कि वो नहीं दे सकते हैं 3 साल में, तो ठीक है आप 3 साल में 4 लाख दीजिए और जो रह जाते हैं 10 लाख ये फिर बैंक से, बैंक हमारे साथ खड़ी रहेगी, वो आप उनसे ले लीजिए और बैंक को आप अदा कर दें। तो और भी अच्छी सहूलत की बात है। तो ये इस तरीके से हमने ये किया है। मैं आपको बताऊं कि इस फॉर्मूले की वजह से मुमकिन हो सका कई लोगों के कि वो अपना ये इरादा के यहाँ आ जाएं, वो अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने वो एक बात को भी सामने रखकर उसके अंदर। लेकिन सर मेरा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि मालेगांव शहर में चूंकि ये बहुत हसास शहर माना जाता है और यहाँ पे मस्जिदों और मीनारों का शहर, इल्म अदब का गहवारा कहलाता है, तो यहाँ पर एक तबका जो है वो बैंक से जो लोन वगैरह की शक्ल में जो है इससे बचने की कोशिश करता है, तो इसका क्या हल निकाला आपने? बैंक्स लोन्स या उसके साथ जो आया हुआ सूद का जो निज़ाम है, ये निज़ाम अपने आप में एक लानत है, आपने सही कहा इसको। और इज्तनाब तो बरतना चाहिए कि ये किस तरीके से हो, क्योंकि कुरान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर आप सूद ले रहे हो तो मत लो, इसे छोड़ दो आप, लेकिन अगर आप नहीं छोड़ते हो तो फिर कुरान ने धमकी भी दी है, फ़ाज़नु बिहर्ब मिनल्लाहि व रसूली, फिर आप जंग कर रहे हैं हज़रत सल्लम की ज़ात अक़दस से और अल्लाह के साथ। तो सूद लें ये तो एक तसव्वुरी ऐसा है कि हम, एक मुस्लिम तो उसके साथ कभी जाएगा नहीं, और आप इसी नुक्ते के तहत देखिए कि हमने क्या किया है। हमने कहा है आप पैसे लें लेकिन सूद ना दें, बात ये भी तो है ना, इसको भी तो मुमकिन करना था। वो बंदा खड़ा है, उसके सर पे छत नहीं है, उसके पास पैसे भी नहीं है कि वो आए, फिर उसकी जिंदगी के मेयार को थोड़ा लिफ्ट भी करना है। हमने इस निजाम से वो पैसे उसके लिए हासिल किए, अच्छा। लेकिन फिर हमने ये बात रखी उसमें कि आप सूद ना दें। क्या बात? हमने उसको इस तरह से कहा है कि ठीक है हुकूमत जो पैसे आपको दे रही है, आपके पास मजीद पैसे नहीं है, आप अपने पैसे से उतनी कीमत में ले लीजिए, वक्त का हम दे देते हैं 10 साल का इस निज़ाम में, इस सिस्टम में, फॉर्मूले में, पैसे नहीं है इस फॉर्मूले के तहत आप 10 साल में पैसे दीजिए, उतने ही दीजिए जितने का फ्लैट है, बैंक जो दे रही है, बैंक के ऊपर से आने वाला जो सूद आपके ऊपर है वो हमने हुकूमत से कहा है कि इनका सूद आप भर दें, क्या बात, ये नहीं देंगे, क्या बात, वाह वाह। इस तरीके से हमने फॉर्मूला किया है। ये जो मैं दरमियान में बैंक्स को ला रहा हूँ, हम मेरे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इस चीज को यकीनी बनाया गया कि बैंक इनको पैसे देगी, सूद हुकूमत से लेगी, क्या बात, ये सूद नहीं देंगे। तो इस तरीके से हमने फिर इसको आगे बढ़ाकर काम करके, ये तो वाकई में एक मुनफरिद काम अरिस्टोल टावर टाउनशिप और फरीहा बिल्डर्स की जानिब से किया जा रहा है। मोहतरम आर्किटेक्ट
आरिफ शाह साहब जो हैं वो मालेगांव शहर के अपने वतन के होते हुए यहाँ की जहनियत को, यहाँ की सूझबूझ को समझकर आपने वो कदम उठाया है कि यहाँ पर जो बैंक से जो सूद के जो मामलात होते हैं उससे भी आवाम को बचाने की पूरी कोशिश की गई है। मैं इस बात पर आपको मुबारकबाद। जिस तरह से यहाँ पर आम तबका भी अपनी पहुँच रखता है, इस टाउनशिप में फ्लैट लेने का अहल हो जाता है, तो आपने जो अंदाज से बतलाया है यकीनन शहर के तमाम तबकात को इस जानिब तवज्जा देनी चाहिए। और जो सहूलियात आप दे रहे हैं, एक टाउनशिप का जो आपने बैकग्राउंड अभी हमारे नाज़रीन के सामने पेश किया कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी हैं, यहाँ पर एजुकेशन के तालीमी जो कैंपस होंगे वो भी हैं, फिर सारे मार्केट्स भी हैं, तो ये किस तरह से आप नज़्म करेंगे? आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं एक बात में इजाफा करना चाहूँगा। सेक्रेटरीट की मीटिंग में 29 अगस्त 2019 चीफ सेक्रेटरी, हाउसिंग सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, उनके दरमियान में जब मैं प्रोजेक्ट को डिस्प्ले कर रहा था वहाँ पर, तो इस बात का जिक्र आया था कि मालेगांव में हमें इस बात की इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पर बैंक्स को इनक्रेज नहीं किया जाता और आप ये प्रोजेक्ट को ला रहे हैं। तो मैंने उसी वक्त ये बात कह दी थी उन लोगों के सामने कि सर मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप जो 2.5 लाख फंड दे रहे हैं ठीक है ये रोक लें आप, लेकिन हमारे लिए बिला सूदी कर्ज को मुमकिन बनाएं। कर्ज बिल्कुल हम लेंगे आपसे, हम ही तो आपको टैक्स देकर वो पैसे वहाँ जमा कर रहे हैं, वो हमारे ही हैं सारे। आज हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है वो 500% है, 500% हम टैक्स दे रहे हैं। एक मजदूर जो इस वक्त 3,000 रुपया अगर हफ्ते का कमा लेता है तो वो कम से कम वो 1,200 रुपया टैक्स देता है और 1,800 में खालिस वो चीज़ उसको आती है। ये सब जानते हैं, सारे इकोनॉमिस्ट इसको जानते हैं कि ये ऐसा ही है, बल्कि इससे कुछ ज़्यादा है, मैं एहतियात से थोड़ा कम बता रहा हूँ। तो वहाँ जो रुकुमात हैं हुकूमतों के पास वो सारी हमारे ही खून पसीने की कमाई हैं, तो हमें ही वो चाहिए। आप इन्हें दीजिए लेकिन आप इसको मुमकिन बनाइए कि वो सूद ना दें, वो बिला सूदी हो जाए उन पर। तो फिर ये बात इस तरीके से आई कि ठीक है, जो लोग हमसे फ़ंड ले लेना चाहते हैं और आपके पास ख़रीद लेना चाहते हैं वो फ़ंड ले लें हमसे, और जो लोग आपके पास किस्तों में ले रहे हैं या बैंक से उनको ज़रूरत हो रही है तो वो ले लें बैंक से, उनका सूद हम दे देंगे, वो उनके लिए बिला सूदी हो जाएगा। क्या बात, तो ये इस तरीके से उसको बहुत ही अच्छा काम, एक मुनफरिद काम लेकर फरिया बिल्डर्स के आर्किटेक्ट आरिफ शाह जो है वो अपना एक अज़्म लिए हुए हैं। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ सर आपको, आपके इस ख्वाबों की तामीर को मैं चाहूँगा, हमारी नेक ख्वाहिशात हैं आपके साथ। मैं चाहूँगा सर कि जिस तरह से आपने फिर उस पर जो सवाल किया था कि ये टाउनशिप में क्या क्या है सहूलियात के हिसाब से, जो आपने सब देखिए 600 मकानों की आज हमारे पास मंजूरियां हैं और 200 मकानों की मंजूरी आ रही है, मजीद हमने ऐड कर दिया इसमें। शहर का रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव है, तो हमें भी हौसला हुआ कि फिर 600 की जगह इसको 800 कर दें। तो 600 पे हम रुकना चाह रहे थे लेकिन शहर की तरफ से जो एक अच्छा रिस्पांस आया है, एक पॉजिटिव फीडबैक्स भी आए हैं और इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, हेवॉक जनरेट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके तहत फिर हमने ये सोचा कि मज़ीद 200 फ्लैट और बना दिए जाएं। तो अब जो हम 200 फ्लैट बना रहे हैं वो UDCPR के अंडर में लेकर बना रहे हैं और वो हम 21 मंजिले की इमारत बना रहे हैं वहाँ पर इंशाल्लाह। अब सहूलतों की जो आपने बात की उसमें ये है कि पूरे मकानात वहीं हैं, उसके बाद गार्डन्स हैं, पार्क्स हैं, पार्किंग्स हैं, औरतों के लिए वॉकिंग ट्रैक्स हम बना रहे हैं, जिमनाजियम है, क्लब है, स्पोर्ट्स है, एलिवेटेड गार्डन बना रहे हैं। एक एकड़ के गार्डन को हम हवा में 15 फीट ऊपर उठा रहे हैं और नीचे का भी पर्पज़ यूज़ कर रहे हैं। क्या बात? कुछ बैंकवेट होगा, कुछ प्रोग्राम्स होंगे, ऑडियो विजुअल्स होंगे, वो सब नीचे हो जाएगा और ऊपर गार्डन होगा पूरा, वो है। 1 से 10 तक का स्कूल का नज़्म है और हमने उसके अंदर ये रखा है हमारे मैनिफेस्टो में कि हम उसको इंग्लिश अरेबिक मीडियम स्कूल बनाएंगे, इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन हम उसका ले। तो इस एतबार से उसकी वजह भी थी कि जिस वक्त तो लोग रहने आएंगे वो 2000 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनके साथ, वो हर उम्र के होंगे, तो फिर उनके लिए वो स्कूल का नज़्म वहाँ पर ज़रूरी हो जाता था। इसी कैंपस में हमने हॉस्पिटल रखा है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहेगा फुली डायग्नोस्टिक्स के साथ और उसके अंदर भी बाकी और भी कई सारे निज़ाम हैं।
क्वालिटी जो कंस्ट्रक्शन की हम रख रहे हैं वो एवरेज क्वालिटी से ऊपर है। अच्छा। आमतौर पर एवरेज क्वालिटी दिया जाता है एफोर्डेबल हाउसिंग में, जो मकान इतने सस्ते से बिकते हैं इस तरीके के, या आप इन्हें किसी बड़े शहर की तामीर से कंपेयर करें तो हम अबव एवरेज जा रहे हैं क्वालिटी में इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर हम इसको देख रहे हैं कि किस तरह लोगों को लाकर कुछ ऐसी इमारतों में जो बेहतर तरीके से बनाई गई हों उसमें लाकर रख दें। फायर फाइटिंग के हमने इंतज़ाम उसमें किए हुए हैं, वो काफ़ी महंगे हुए लेकिन हमने उतना खर्च रखा है इसमें। फायर फाइटिंग हर मंजिल पर दी गई है, हर फ्लोर पर दी गई है, ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं पूरे, डिटेक्टर्स हैं और स्प्रिंकलर्स हैं, ये तमाम चीज़ों की सहूलत के साथ फिर हमने उसके अंदर रखा है। खिड़कियों को 6 फीट 7 फीट 8 फीट चौड़ी खिड़कियाँ हैं। अच्छा। और कई कमरे में दो दो खिड़कियाँ रखी गई हैं, हवा का नज्म सेहत की बुनियाद है वो, और तो ये तमाम चीज़ों को हम फिर हमने साथ में रखा है उसके अंदर सहूलत। सर मेरा सवाल ये है आपसे कि ये अरिस्टोल टाउनशिप, तो इसमें बीच में जो है नेशनल हाईवे भी आता है, तो क्या आम जो पब्लिक है वो जब शहर से दूर अरिस्टोल टाउनशिप में मुंतकिल होगी तो उनके मरासिम जो शहरियान से हैं, तो आने जाने के लिए जो जो एक राबता होता है बीच में, जो हाईवे का जो एक रुकावट जो बनती है, तो इसको आप किस तरह से दूर करेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट शहर से दूर नहीं है, ये प्रोजेक्ट ही शहर है। क्या बात है, हम जिसको शहर कह रहे हैं अब वो शहर नहीं रह गया, शहर हम नया बना रहे हैं। क्या बात, तो जो हम बना रहे हैं वो शहर होगा, वो शहर होगा और वो शहर का मरकज होगा। क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो वहाँ से बाहर कहीं जाए तो क्यों जाए, कोई यहाँ आए तो क्यों आए, वो सारी ज़रूरियात को वहाँ पूरा किया गया। और कल मुस्तकबिल मालेगांव के इस हिस्से का क्या होगा ये सब जानते हैं कि क्या होगा। हमारी अगली नस्लों के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो वो नस्लें जो होती हैं वो 70-80 साल 100 साल तक जाती हैं, और मंसूबाबंदी हमेशा 100 साल की होती है। तो आने वाले 100 साल में यहाँ की जो गली 6 फीट की रह गई है उसका क्या हशर होने वाला है ये हम जानते हैं। तो अब हम शहर उसे कहें जो नए इलाके हमें मिले, वो शहर है हमारे। अब इस पर आइए कि जो हाईवे है बीच, हमारे प्रोजेक्ट को परमिशन के मिलने के साथ ही, मंजूरी मिलने के साथ ही, हुकूमत ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को इस बात के लिए कहा था कि आप मंसूरा से दरे गांव तक का जो DPR है वो DPR में इसके सर्विस रोड को शामिल करें। तो हाईवे तो है लेकिन दोनों तरफ सर्विस रोड इसके बन रहे हैं, जहाँ पर जो आवाम के लिए, शहर के लिए होते हैं, और ट्रांसपेसिंग के लिए इसके अंदर फ्लाईओवर्स हैं। तो उन लोगों ने पहले कहा कि एक फ्लाईओवर होगा, फिर बाद में बताया कि नहीं, 3 फ्लाईओवर मुकम्मल टोटल तौर पे इसमें आ जाएंगे जो हमारे DPR में हम इसको लिख रहे हैं। आने वाले वक्तों में जो इसकी नौयत होगी उसको आप इस तरह समझिए, नासिक में जिस तरह से वो जो तामीर हुई है, बस कल का ये वो मकान रहा सवाल अभी क्या। तो जब हम यहाँ लोगों को उनका कब्ज़ा दे रहे हैं, फ्लैट्स कन्वे कर रहे हैं उनको, उस वक्त तक इंशाल्लाह ये दोनों सर्विस रोड भी बन चुके रहेंगे। पवारवाड़ी जो जंक्शन है वहाँ से ये 500 मीटर के फासले पर है, असमा मस्जिद से ये 1 किलोमीटर के फासले पर है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें होगी तो फिर वो लोग फिर उसके हादी। आखिरी सवाल जी, कि एक मालेगांव का शहरी अरिस्टोल टाउनशिप में क्यों कराए? आज थोड़े से मुश्किल सवाल कर रहे हैं आप। थोड़ा सा फ्रैंक होकर बात कर लेता हूँ इस पर, थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ को अलग करके बात करते हैं। मैं आपको बताऊं कि यहाँ की 10 लाख की आबादी में अक्सरियत, तकरीबन सब लोग आज ही जा गए हैं, नाला हो गए हैं यहाँ की सूरत हाल से। उनके बच्चों को चलने का रास्ता नहीं, जगह नहीं, उनके लिए कोई बात नहीं। माहौलियात गंदे हो रहे हैं, बारिशों में जहन्नम की शक्ल नज़र आती है, गर्मियों में शहर जल रहा होता है, साए नहीं है, और रोड पर जो गड्ढे और पत्थर हैं,
औरतों को तो ऐसा है कि घर से बाहर निकले तो एक अजाब में जा रही हैं। यानी हमने हमारे आबा अजदाद से शहर अच्छा लिया था और अपने हाथों से उसको मुकम्मल तौर से पूरे दिल से बर्बाद किया। उसको बड़े एहतमाम से बर्बाद किया हमने इस शहर को। अब आप सवाल कर रहे हैं कि कोई वहाँ क्यों आए तो फिर कहाँ जाए। यहाँ से वो बेजार है और वो इत्तेफाक से अगर ये लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हों, नासिक में चले जाएं, पुणे में कहीं चले जाते हैं कहीं यहाँ, तो वो देख के एक हसरत रहती है सर की कि यार ये अच्छे शहर हैं, लोग यहाँ अच्छा रहते हैं, हम कहाँ पड़े हैं। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि वो किस सोच को लेकर वहाँ है, पहले तो ये यहाँ की बेजारी है, दूसरा हम उन लोगों को वहाँ पर यकीनी तौर पर इस बात को मुमकिन बना रहे हैं कि उनकी अगली नस्लों तक वो एक बेहतर मियार ज़िंदगी हासिल कर लें, उनके लिए आराम और आसाइश के सामान मैसर हों, उनके लिए बेहतर ज़िंदगी के सामान मैसर हों, उनके लिए उनके बच्चों की बेहतरीन तालीम और सेहत, उनके बुजुर्गान की बेहतरीन सेहत, उनके जो नौजवान तबका है अगर वो जाता है उनके बच्चों का भी ख्याल रखे, अपने वालदेन का भी अच्छे से ख्याल रखे, और साफ शफाफ सेहत अफजा टाउनशिप इस तरीके से इसको बनाया जा रहा है। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हवा में होती हैं तो वो ठीक नहीं होता फिर कहना और अनाउंस करना, बिलखसूस मीडिया पर। तो हम आपसे जो कुछ भी कह रहे हैं सिर्फ वो कह रहे हैं जो है और जो होगा इंशाल्लाह। क्या बात है, इंशाल्लाह। ना तो उससे कुछ ज़्यादा कह रहे हैं ना तो उससे कुछ कम कह रहे हैं। तो जो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो सब के तमाम ऑन पेपर वी गॉट ऑल द अप्रूवल्स ऑफ दैट साइट्स एवरीथिंग दैट वी हैव एट प्रेजेंट विद अस, सो यू कैन ऑलवेज कम एंड लुक एट दोज थिंग्स, यू कैन ऑलवेज चेक दोज थिंग्स प्रॉपरली इंशाल्लाह कि वो किस तरह से हो रहा है। तो सर आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि जो आपसे कांटेक्ट करना चाहें, ये सारी चीज़ें जानना चाहें, बिलमुशाफा मुलाकात करना चाहें, सारे प्रोजेक्ट को देखना चाहें, समझना चाहें, तो किस तरह से आपसे रابطہ कायम करें और कहां पर। नहीं, हमारी 5 से ज़ायद टीमें इस पर काम कर रही हैं। मैं बज़ाते खुद किसी से नहीं मिल रहा हूँ क्योंकि दीगर काफ़ी उम्र हैं और वक्त हुकूमत ने काफ़ी कम दिया है। 3 साल, 2.5 से 3 साल के अंदर पूरी तामीर को मुकम्मल कर देना तमाम एतबार से एक बड़ा टास्क है, तो मेरी सारी तवज्जो उस पर है। अब रहा सवाल बुकिंग का और लोगों से रابطے का, और ये मेरी कुल 5 टीमें हैं जो इस पर कर रही हैं। हमारे शाबान अली शाह भाई, शाबान भाई हैं, उनका जो शोरूम है वहाँ पर एक मकाम है बुकिंग का, वह हजरात कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर सैयद जाकिर वो एक सेक्शन देख रहे हैं। अच्छा। उसके बाद रईस अहमद सागर साहब वो एक पोर्शन देख रहे हैं बुकिंग का। हारून आशिक अली साहब देख रहे हैं एक पोर्शन। टीचर्स से ताल्लुक़ में रिजवान सर हैं, नदीम सर हैं, फिर मुदब्बिर सर हैं, वो ये लोग अपने अपने एतबार से देख रहे हैं इसको। क्या बात। फिर बैरून शहर की बुकिंग्स बराह रास्त ऑफिस पर फ़ोन के ज़रिए हो रही है, तो बैरून शहर से काफ़ी लोग आ रहे हैं और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हम एक कॉस्मो कल्चर दे देंगे अपने शहर को। उनको ये फील नहीं होगा कि वो यहीं से उठ के यहीं हैं, कम से कम इस मामले में एक जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए उनके अंदर, जो डेली रूटीन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, वो वहाँ पर उनको मिल जाएगा। बाहर से आने वालों में ज़्यादातर लोग बॉम्बे के हैं, पुणे के हैं, नासिक के कुछ लोग हैं, इवन जयपुर और हैदराबाद से भी कुछ फैमिलीज आ रही हैं, 2 फैमिली लखनऊ से आ रही हैं। तो अलबत्ता यहाँ एक कॉस्मो कल्चर इंशाल्लाह हो जाएगा और किसी भी शहर की नशोनुमा होने के लिए उसका कॉस्मो हो जाना ज़रूरी होता है, तो कभी ना कभी ये होगा यहाँ पर, तो वो अब हो जाएगा इंशाल्लाह। यकीनन नाज़रीन इकराम, रिस्टोर्ड टाउनशिप जो एक प्रोजेक्ट लेकर हमारे आर्किटेक्ट इंजीनियर आरिफ शाह साहब जो लेकर चल रहे हैं, आप ज़रूर रابطہ करें और उस पूरे टाउनशिप को आप जानने की कोशिश करें और देखें
कि किस मियार का और किस तर्ज का यहाँ पे रहाइश का नस्ब किया जा रहा है, और आने वाली नस्ल जो हमारी है वो उस मियार तक पहुंचकर, उस जगह पर पहुंचकर जिस वक्त वो हमें याद करेगी, तो यकीनन वो लम्हात जो है वो हमारे लिए बहुत ही अहमियत के हामिल हो सकते हैं। तो मेरी गुजारिश यही है आप लोगों से, हमारे इस चैनल के ज़रिए से, हमारे इस इंटरव्यू सेशन से, हमने एक कारामत चीज़, एक बेहतरीन चीज़ हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने की एक कोशिश की है। तो आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर रابطہ कीजिए और रिस्टोल टाउनशिप के जो तमाम काम हैं उसको जानने की कोशिश कीजिए, उसको देखिए, उसको समझिए, और इस टाउनशिप में आप फ्लैट लेने की ज़रूर कोशिश करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बचपन, पचपन और पंचानवे हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद, मुफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।